आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बिल्लोरा में नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 विभागों के संयुक्त दल ने की छापामार कार्रवाई। उत्खनन में लगी नाव को किया जब्त। राजस्व पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारी पहुंचे मौके पर। सनावद, नर्मदा किनारे इन दिनों बिल्लोरा थापना क्षेत्र में नर्मदा नदी से नाव के जरिए मोटर डालकर बालू रेत का उत्खनन करने की शिकायत लगातार जिला मुख्यालय पर पहुंच रही थी। जिलाधीश के निर्देश के बाद विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिल्लोरा में एक नाव को जब्त किया, जिसके जरिए नर्मदा नदी से बालू रेत का उत्खनन किया जाता था। वहीं मौके पर 2 SDM, TI और खनिज विभाग के जिला अधिकारी ने खड़े रहकर कार्रवाई को अंजाम दिया। खंडवा जिला खनिज अधिकारी सचिन बना वर्मा ने बताया कि लगातार बिल्लोरा क्षेत्र से अवैध रूप से नर्मदा में उत्खनन की शिकायत मिल रही थी। वहीं शिकायत में बताया गया था कि नर्मदा नदी के बीच में नाव में मोटर लगाकर उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद जिलाधीश ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के परिपालन में गुरुवार सुबह 5:30 बजे ग्राम बिल्लोरा में कार्रवाई की गई, जहां पर एक नाव को जब्त किया, जिसमें बड़ी मोटर के जरिए नर्मदा नदी से उत्खनन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मानधाता SDM जंग बहादुर सिंह, SDM शुभम प्रजापत, TI बलजीत सिंह बिसेन सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान एवं राजस्व और खनिज अमला मौजूद था। ग्रामीणों ने बताया कि कार्रवाई में कुछ उन लोगों की नाव के मोटर जब्त किए गए जो रेत उत्खनन में शामिल नहीं है। ऐसे नाविकों की मोटर वापस दी जाए। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। जो हो रहा है उसको रोकने का दायित्व हम लोगों का होता है और हम लोग की हर कोशिश रहती है कि अवैध उत्खनन को रोका जाए और किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो गवर्नमेंट को। और इसके कारण ये आज संयुक्त रूप से राजस्व विभाग और माइनिंग विभाग और कृषि विभाग द्वारा ये कार्रवाई संपादित की है। ये क्या निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल कोशिश रहेगी कि जैसा भी इलीगल होता है हम उसको रोकने का पूरा प्रयास करें। अभी क्या क्या चीज़ें जब्त की गई? अभी 4 गाड़ियों से मोटरें निकाल के जब्त की गई हैं, जिसको हम तहसील ऑफिस में रखेंगे और एक नाव जो थी उसको हमने डिस्मेंटल किया। सर, किन लोगों का नाम है? सर, नाम का अभी तो अज्ञात है, जैसे ही नाम पता चलेगा आपको। दिनों से जो लगातार जानकारियाँ आ रही, किसी में एक संगठित टीम जो है प्रशासन व पुलिस की, बिल्कुल सुबह सुबह 5:30 बजे करीब यहाँ पर हमने रेड कार्रवाई करी बिल्लोरा बुजुर्ग गाँव में, जहाँ पर एक बड़े से नाव में एक इंजन काफ़ी बड़ा जिससे अवैध रेत उत्खनन किया जाता था वो हमें मिला। इसके अलावा जो इससे संबंधित अन्य नावें थी जो इसमें सम्मिलित होना प्रतीत हुई, उसको जो है कब्जे में खनिज विभाग की टीम द्वारा लिया गया है और जो इंजन है उसको भी कब्जे में लेकर जो अवैध नाव थी उसको डिसमेंटल की कार्रवाई खनिज विभाग की टीम और प्रशासन की टीम द्वारा इस टीम की सहायता से किया गया है। कोई नाम सब इसमें आए हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ स्पष्ट सामने नहीं आया है कि जो भी है खनिज विभाग की हमारी जो टीम है कार्रवाई करेगी। यदि किसी का नाम आता है तो संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और बेकायदा जो चल रहा है उसकी कार्रवाई के लिए हम कोई वो नहीं, हमको नर्मदा जी का स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, जो करा मशीनों का कोई, इनको गांव वाले बेचारे एक भी नहीं आए जिनने कार्रवाई हो, पर कुछ मछुआरों की इंजन के नाव चले गए हैं उनको आपस दिलाई जाए और जिस दिन प्रशासन को नुकसान हुआ है उसका विवरण के लिए नहीं आते बेचारों का। डैम का जो पानी बाढ़ का आया था, कितने लोगों के नाव से 8-10 लोगों की चलेगी नावें और औजार चले गए। इंजन कितने लोगों की नाव से? 2-3 लोगों के चले गए, चार गए। तो इसके लिए मेरे को दुख होता है, मैं नर्मदा आता हूँ बेचारे मच्छी मारते हैं उनके चले गए। और यहाँ पे प्रशासन करीबन 50 जन का मजमा था, ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, गरीब वर्ग के माझी समाज कहार से, और मैं इनका कहार समाज से जुड़ा हूँ और मैं रोज सवेर शाम नर्मदा जी का दर्शन करता हूँ। और मैं इनके लिए कहता हूँ कि इनको जो नाव है इंजन के लिए हम मना नहीं करते, पर जो मछली का है इंजन उसके चले गए तो इनको वापस दिलाया जाए। अवैध रेत के उत्खनन की शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी, वहीं प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बनाकर यहां पर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक नाव से रेत उत्खनन करने की तैयारी का कार्य पकड़ा गया है, जिसके बाद एक नाव को जब्त कर 4 मोटरें भी यहां पर जब्त की गई है। वहीं प्रशासन के जिले के अधिकारी साथ यहां पर 2 SDM और थाने की टीम यहां पर अल सुबह 5 बजे कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई थी। वहीं प्रशासन की माने तो आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी।